नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सूरत से आ रही खबर के साथ। सूरत से सीधी पहुंचे मृतकों के शव, गुजरात हादसे में मौत हो गई थी, मकान गिर गया था, इमारत के गिरने से मजदूरों की मौत हुई थी। 5 मजदूरों के शवों को सीधी पहुंचाया गया है। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पीड़ितों के घर नहीं पहुंचे जिम्मेदार ऑफिसर। पीड़ित परिवारों में गुस्सा है, आक्रोश है। पीड़ित परिवार ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि इमारत के गिरने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई थी, इनमें से कई ऐसे थे जो सीधी के रहने वाले हैं। 5 मजदूर कुल बताए जा रहे हैं जो सीधी के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के सीधी जिले के। और यहां पर अब परिजनों में आक्रोश है, गुस्सा है। मृतकों के शव सीधी पहुंच चुके हैं। पीड़ितों का यह कहना है कि उन्हें आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि अब उनका सहारा कोई नहीं है। जैसे ही इनकी मृत्यु की सूचना मिली है, निश्चित रूप से हमारे उपखंड में ये बहुत ही दर्दनाक, हृदय विदारक घटना है, जिसकी भरपाई अपन नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जनपद स्तर से उनको अंत्येष्टि संस्कार के लिए 5,000 रुपये मुहैया कराया गया है, तथा खाद्यान्न के रूप में प्रति व्यक्ति के मान से 50 किलो चावल और 50 किलो गेहूं प्रदाय किया गया है। अंत्येष्टि संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी का भी इंतजाम किया गया है। हरीश द्विवेदी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। हरीश, अभी मृतकों के जो शव हैं वो सीधी तो पहुंच चुके हैं, लेकिन क्या परिवार वालों की मांगों पर कोई संज्ञान लिया गया, कोई बातचीत की गई? बिल्कुल, जिस तरीके से देर रात जब उनका शव पहुंचा था, हालांकि वो सुबह ही तमाम जो आगे की कार्यवाही करनी थी वो शुरू कर दिए थे, लेकिन जिस तरीके से चूंकि कई दिन बीत चुके हैं और शव जो थी तो उससे दुर्गंध आनी शुरू हो गई थी, यही कारण है कि परिवारजनों में आक्रोश था। और हालांकि जैसे ही परिवारजनों ने आक्रोश व्यक्त किया है, उसके ठीक बाद जो है तो मौके पर तहसीलदार सहित जो क्षेत्रीय अमला था वो पहुंचकर उन्हें समझाइश देकर जो है तो अब उनको जो है तो दह संस्कार कर दिया गया है। फिलहाल जो है तो अब स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन ये समझा जा सकता है क्योंकि प्रशासन भी एक बड़ी दुखद घटना थी, तो ऐसे में उनको एक ढाढ़स बधा पाना और उनके परिवारजनों को ढाढ़स बधा पाना वो थोड़ा सा कहीं न कहीं संशय था, क्योंकि उनका मानना ये था कि जब गुजरात में हादसा हुआ है और वहां से इसकी पन्नी में लपेट के यहाँ तक सीधी शव लाया गया और तमाम जिस तरीके से फ्रीजर की व्यवस्था की जानी चाहिए थी या अच्छे ढंग से शव को लाना था, तो प्रशासनिक व्यवस्था जो गुजरात सरकार की ओर से की गई थी वो ज्यादा ठीक ठाक नहीं थी, यही कारण था कि परिवारजनों में आक्रोश था। जी, बहुत शुक्रिया हरीश जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग में कार से स्टंटबाजी अब महंगी पड़ी है। पुलिस ने स्टंटबाजों को गिरफ्तार कर लिया है और कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई है। स्टंटबाजों पर चालानी कार्रवाई तक की गई है। शराब के नशे में स्टंट कर वीडियो बना रहे थे, भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू की घटना है, और खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहे थे लेकिन औरों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहे थे। ये वो स्टंटबाज हैं जो शराब पीकर कार से स्टंट कर रहे थे, लेकिन इनकी स्टंटबाजी इन्हीं को महंगी पड़ी। एक तो चालानी कार्रवाई और दूसरा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। नियम कानून होते हैं कुछ सड़क के भी, अगर उनको ध्यान में नहीं रखा गया तो कार्रवाई तो होनी ही है। और ऐसे में अगर ये सोच रहे थे कि इन तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी तो इनका ये वहम भी दूर कर दिया गया है और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। उठक बैठक तक लगवाई है, स्टंटबाजों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अमूमन ऐसा देखते हैं कि काफी ओवर कॉन्फिडेंस लोगों में होता है, स्टंटबाजी करते हैं तो सोचते हैं शायद उन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ये भ्रम अब इनका दूर हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से स्टंटबाजी करते हैं उनको ये लगता है कि कोई देख नहीं रहा,
तो ये बिल्कुल गलतफहमी में है। पुलिस की निगाहें चारों ओर होती है और अब तो स्टंटबाजों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार स्टंटबाजी के वीडियो सामने आने के बाद में पुलिस भी एक्शन में है और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला जो है वो भिलाई के का है, जहां पर दो युवक शराब के नशे में कार में स्टंटबाजी कर रहे थे और स्टंटबाजी कैसे कर रहे थे देख सकते हैं कि किस तरह से स्टंटबाजी की जा रही थी। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी वहां से गुजर रही थी, उन्होंने युवकों को रोका। जब उनका ब्रेथ एनालाइजर से टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि युवक जो है वो शराब के नशे में है। दोनों को पहले पकड़ लिया गया, गाड़ी जो थी उसको जब्त कर लिया गया, उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई और इसके साथ साथ उनके खिलाफ में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में कार्रवाई भी की गई है। तो साफ स्पष्ट है कि जो भी स्टंटबाजी कर रहा है, क्योंकि वो खुद तो अपनी जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, साथ ही जो आसपास लोग चलते हैं राहगीर होते हैं उनकी भी जान खतरे में होती है। ऐसे में पुलिस का संदेश है कि जो भी स्टंटबाजी करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ इसी तरह से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। ग्वालियर की बात होगी जहां भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक ने ममेरे भाई की गोली मारकर हत्या की है। हत्याकांड में तीन लोग आरोपी हैं। हाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर इलाके में ये वारदात हुई है और भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल युवक ने अपने ममेरे भाई की गोली मारकर हत्या की है। किस बात को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया ये अभी भी अज्ञात है, अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन रिश्तों का कत्ल किया गया है, रिश्तों का कत्ल, जहां भाई ने ही अपने ममेरे भाई की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या की। अब ये हथियार कहां से आए, लाइसेंसी हैं क्या हैं, इस तमाम चीजों के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। हत्याकांड में तीन लोग आरोपी हैं। परिवार वालों से पूछताछ का सिलसिला, लेकिन अपने आप में रिश्तों का कत्ल किया गया, चौंका देने वाली खबर। तो भाई ने भाई को ही गोली मारकर हत्या कर दी, लेकिन वजह क्या अब तक नहीं पता चल सका। हत्याकांड में तीन लोग आरोपी हैं, ये तीन कहां हैं ये भी नहीं पता कि पुलिस की गिरफ्त में हैं या कहां हैं, अभी जांच चल रही है। नरोत्तम गुर्जर को ऐसा रिपोर्ट हुई है कि लोकेंद्र गुर्जर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। तो अभी मौके पे हम लोग पुलिस देर रात से आए हुए हैं, जांच चल रही है। अभी आज अभी पीएम हो जाएगा, उसके बाद आगे जैसा विवेचना में आएगा। अभी विवाद इन्होंने कुछ नहीं बताया है। रात में कहीं पर्स देने गए थे ये ममेरे फुफेरे भाई हैं, आपस में पर्स लौट के आए, तो ये भी कारण स्पष्ट। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आखिर क्यों हत्या की गई, क्या कुछ पता चला अब तक? जी बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दुल्लपुर इलाके में कल रात करीब 12 बजे के आसपास ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां रहने वाले नरेंद्र गुर्जर, जो कि ग्वालियर के दुल्लपुर के ही रहने वाले थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राइफल से गोली मारी गई है और जो गोली मारने वाले लोग हैं वो नरेंद्र के ही बुआ के बेटे लोकेंद्र सहित दो अन्य लोग हैं। तीन लोगों पर इसमें हत्या करने का आरोप है। गोली चलाने वाला जो लोकेंद्र गुर्जर है, घटना के बाद से फरार हो गया। नरेंद्र को गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पुलिस से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक यही है कि लश्कर में इन्हीं के रिश्तेदार में कहीं कल कार्यक्रम था शादी विवाह का, उसी कार्यक्रम में नरेंद्र गुर्जर भी गया था। इसके अलावा जो लोकेंद्र गुर्जर हत्या का आरोपी है वो भी गए थे और उसी दौरान कुछ कहा सुनी या विवाद हुआ। उसी विवाद के चलते जब ये घर लौट कर आए, दोनों पास पड़ोस में ही रहते हैं, ममेरे फुफेरे बुआ के बेटे हैं ये, और उसी के चलते विवाद के बाद संभवतः रात में करीब 12 बजे के लगभग नरेंद्र गुर्जर को गोली मारी गई और इसमें लोकेंद्र ने गोली मारी है। पुलिस को इस तरह की जानकारी मिली और उसके बाद से ये आरोपी फरार हो गया। इलाके में तनाव के हालात ना बने इसलिए भारी पुलिस बल सुबह से ही वहाँ रात से ही तैनात है और अभी पुलिस जो आरोपी है लोकेंद्र गुर्जर सहित दो अन्य लोग उनकी तलाश कर रही है। साथ ही इसमें अब शव का पीएम कराया जाएगा, जिससे मौत जो गोली लगने से हुई है उसमें और पुख्ता जो है
सबूत पुलिस के हाथ लग पाएंगे। साथ ही पुलिस अब विवेचना भी कर रही कि आखिरकार क्या वजह रही कि शादी में विवाद हुआ था, किस बात को लेकर विवाद हुआ था। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। फिलहाल क्योंकि ये पूरा मामला अब जांच के दायरे में है, जांच के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। पति परमेश्वर, पति देवता, इस तरह के शब्द तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन क्या हो जब यही पति हैवान बन जाए। बैतुल में पति ने पत्नी को आग के हवाले कर दिया, केरोसिन डालकर पत्नी को आग लगा दी। महिला 70% से ज्यादा झुलस चुकी है, महिला की हालत बहुत ज्यादा नाजुक बनी हुई है, जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पति मौके से फरार हो चुका है और पति से विवाद के कारण ही अपनी बुआ के घर महिला रहती थी। पत्नी की बुआ के घर जाकर पत्नी को आग के हवाले पति ने किया है। सारनी थाना क्षेत्र की यह घटना। शासकीय अस्पताल घोड़डूंगरी से सूचना मिली थी कि पायल नाम की महिला, उम्र 21 साल, जिसका पति देवदत्त बिहारी है, उसकी सूचना जैसे तत्काल मिली और हम लोग अस्पताल आए, पीड़िता के बयान लिए। पीड़िता ने ये बताया कि मेरे पति द्वारा मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर मुझे जला दिया गया है और काफ़ी 80% महिला जल चुकी है। तुरंत उसका उपचार कराया गया और तत्पश्चात हमने उनके बयान लिए, बयान के बाद में उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैतूल रिफर किया गया है। तो महिला की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है, 70% महिला झुलस चुकी है और अस्पताल में उसको एडमिट भी किया गया है। वो अपनी बुआ के घर रहती थी, अक्सर पति से विवाद होता था, जिसके बाद पति ने आक्रोश में आकर उसको आग के हवाले कर दिया केरोसिन छिड़क कर। ऋषु नायडू संवाददाता साथ जुड़ गए हैं बैतूल से। ऋषु, पति को परमेश्वर कैसे माना जाए जब उसके अंदर इस तरह का हैवान छिपा हो? अभी फिलहाल महिला की हालत कैसी है और पूरा वाक्या बताइए, क्या कुछ हुआ था? जी देखिए, सबसे पहले तो महिला की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, लगभग 80% वो पूरी तरह झुलस चुका है उसका शरीर। उसे भोपाल रेफर करने की तैयारी चल रही है, जिला अस्पताल में उसकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई है। जो पूरा घटनाक्रम है वो कुछ इस तरह रहा है कि इन दोनों का प्रेम विवाह हुआ था और पिछले 3 महीनों से दोनों में बहुत ज्यादा अनबन होने की वजह से जो महिला है वो अपनी बुआ के घर, सारनी थाना क्षेत्र का जो पाथाखेड़ा क्षेत्र है, वहां 3 महीने से वो अपनी बुआ के घर रह रही थी। उसका पति बार बार उसे वापस बुलाने के लिए कह रहा था, लेकिन अनबन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो वापस अपने पति के पास नहीं जाना चाहती थी। कल रात का ये पूरा घटनाक्रम है जब उसका जो पति है चंद्रदेव बिहारी, वो पाथाखेड़ा में उस महिला के बुआ के घर पहुंचा और इसने अचानक महिला के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। जब इसके चीखने की आवाज आई महिला की, तब परिवार के लोग दौड़े तो जो उसका पति है चंद्रदेव वो वहां से फरार हो गया और इसे झुलसी हुई अवस्था में पहले घोड़ा डोंगरी लाया गया और वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि जो महिला है उसके डाइंग जो मरणासन बयान लिए जाते हैं इस तरह के केसेज में, वो प्रशासन ने, पुलिस ने ले लिए हैं, जिसमें उसने बताया है कि उसके पति ने ही उसे केरोसिन डाल करके आग लगाई है। फिलहाल उसे भोपाल रेफर किया जा रहा है और पुलिस जो है इसके पति की, जो चंद्रदेव है, इसकी तलाश में जुटी हुई है। ये एक बहुत ही खौफनाक वाकया कहा जाएगा क्योंकि जिस तरह से प्रेम विवाह की बात आई और इस प्रेम विवाह के बाद अगर ये स्थिति है तो ये सोचने लायक है। और जो हैवानियत एक पति ने की है तो इसके लिए जो है ये समाज, पति पत्नी का जिसे कहा जाता है दो जिसमें एक जान, लेकिन इस तरह की घटना ने इसको बिल्कुल भी अलग साबित कर दिया है। बहुत शुक्रिया ऋषु जानकारी साझा करने के लिए। भोपाल में कई दिनों से लो फ्लोर बसेस बंद हैं, 139 लो फ्लोर बसों का संचालन बंद हो चुका है। टिकट कलेक्शन विवाद के कारण बसें बंद हुई हैं, 40,000 यात्री रोजाना परेशान हो रहे हैं और आज BCCL की बैठक होगी। बैठक में फैसला लिया जा सकता है, बैठक में मेयर, BCCL डायरेक्टर, निगम कमिश्नर भी मौजूद रह सकते हैं।
शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या वजह है जो बसेस का संचालन नहीं हो पा रहा है, इनकी प्रमुख मांगे क्या है शैलेंद्र? हाँ देखिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है लो फ्लोर बसें, लेकिन पिछली 4 जुलाई से टिकट कलेक्शन को लेकर जो एजेंसी और नगर निगम के बीच विवाद चल रहा है और उसके कारण लगातार पिछले 7-8 दिनों से सारी लो फ्लोर बसें बंद है। 149 बसें बंद होने से 6 रूट प्रभावित हो रहे, इन 6 रूट पर ये बसें चलती है, लेकिन टिकट कनेक्शन का विवाद सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। इसी के चलते अब जो नगर निगम सभापति है अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है और आज ऐसा लग रहा है कि आज इस बैठक में कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। एजेंसी की मांग है कि जो टिकट के लिए जो कमीशन दिया जाता है उसे कटौती कर दी गई है, वो गलत है, उसे बढ़ाया जाए। इन मांगों के चलते सारे ड्राइवर्स ने बस खड़ी कर दी है और उसका असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर हो रहा है। जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इन 6 रूट पर करीब 40,000 यात्री रोज आवागमन करते हैं, उन सब के लिए बड़ी परेशानी खड़ी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है उसमें कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल सकता है और उसके बाद ये लो फ्लोर बसें वापस सड़कों पर दौड़ने लगेगी। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। इंतजार इसी दिन का है कि कब आखिर ये बसें चलेंगी और कब परेशानियां दूर होंगी यात्रियों की। आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे बलरामपुर की, जहां बलरामपुर में बस पलट गई है। मौके पर चीक पुकार मची है, 35 से 40 लोग यह बस में सवार थे, कई लोग घायल भी हुए हैं। बड़ा हादसा होते होते टला, ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को बाहर जल्दी से जल्दी निकाल लिया गया और कोई बड़ा हादसा होता इससे पहले सब लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बेकाबू होकर यह बस पलटी है, 35 से 40 इसमें यात्री भी सवार थे, लेकिन ग्रामीणों की मदद से उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीर आप उसी बस की देख रहे हैं जो पलटी है और इसी बस में 35 से 40 यात्री सवार थे। बस का नंबर भी आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके कोई अपने इस बस में सवार थे तो फौरन उनको फोन कर उनका हालचाल जानें। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सब सुरक्षित हैं, 35 से 40 यात्री इसमें सवार थे। मौके पर चीख पुकार लेकिन मच गई, सब दहशत में आ गए, डर गए हैं सब। फिलहाल हल्की फुल्की चोट आई होगी कुछ लोगों को, लेकिन सुरक्षित है सब। बड़ा हादसा होते होते टल गया। सूरज गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या जानकारी आपके पास, कैसे ये बस पलटी, क्या खराबी है इसमें? बलरामपुर जिले के होकर गुजरने वाली जो मार्ग है जो वाडप नगर होते हुए उत्तर प्रदेश रेणुकूट जाती है, जहां पुली डूमर घाट में यात्री बस होकर पलट गई जिसमें लगभग 35 से 40 यात्री सवार थे, इसमें दर्जनों लोगों को चोट आई है। वहीं जैसी इस बात की जानकारी लोगों को लगी तत्काल मौके पर पहुंचे और बस के जो खिड़की होती उसके शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया और सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाडप नगर भेजा गया जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि यात्री बस छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से होकर उत्तर प्रदेश के रेणुकूट जा रही, तभी पुली डूमर घाट के पास अनियंत्रित होकर यह पलट गया। हालांकि इसमें अभी तक ये जानकारी सामने नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, आखिर क्या वजह बनी कि बस वहां पर पलटी। फिलहाल पुलिस मौके पर डटी हुई है और सभी घायलों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी साझा करने के लिए। कवर्धा में डीजल से भरा टैंकर पलट गया और टैंकर चालक की मौत हो गई है, खलासी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, खलासी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, घूसखोर पटवारी को निलंबित कर दिया गया। किसान से रिश्वत लेने का दरअसल वीडियो वायरल हुआ था और वो भी 10,000 रुपए की रिश्वत। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी जिसके बाद न्यूज 18 की खबर का असर हुआ और घूसखोर पटवारी, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, घूसखोर पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। किसान से रिश्वत ले रहा था 10,000 रुपए, वो भी 10,000 रुपए की रिश्वत लेते वीडियो आया सामने। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई
और अब इस पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। ग्वालियर में आज मेगा पावर कट होगा, 1,00,000 घरों की बिजली गुल होगी। शहर के 6 फीडर पर मेंटेनेंस के चलते बिजली बंद रहेगी और सुबह 10 से दोपहर 2 के बीच बिजली कटौती होगी। ग्वालियर में आज मेगा पावर कट, 1,00,000 घरों की बिजली गुल। शहर के 6 फीडर पर मेंटेनेंस के चलते बिजली बंद रहेगी और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच बिजली कटौती होगी। हालांकि क्योंकि मौसम ठीक है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ और भी काम होते हैं जिनकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। काफी उमस भरा मौसम भी है क्योंकि, तो ऐसे में बिजली कटौती से परेशानी हो सकती है। लेकिन मेंटेनेंस का क्योंकि हवाला दिया गया है और अब मेंटेनेंस के चलते काफी लंबे समय तक जो बिजली है उसकी कटौती की जाएगी। एमपी में बारिश का दौर जारी है और 24 घंटे में 95% प्रदेश भीग चुका है। शिवपुरी के कोलारस में तो सबसे ज्यादा बारिश हुई है। भोपाल में एक दिन में 14.3 mm बारिश हुई है। राजधानी में अब तक 400 mm बारिश हो चुकी है। कोलार डैम का 2 सेंटीमीटर जलस्तर बढ़ चुका है और ऐसे में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश कितनी हो रही है प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर कितनी ज्यादा बारिश हो रही है और ज्यादा बारिश होने की वजह से हर जगह जलजमाव की स्थितियां बनी हुई हैं। बैतूल में पहाड़ी नदी की बाढ़ में महिला फंस गई। ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू भी किया। रस्सी के सहारे नदी में उतरे युवक ने महिला की जान बचाई। तेज बारिश से नदी में अचानक से बाढ़ आ गई थी और भीमपुर ब्लॉक के खारी ढाना गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तेज बारिश होने की वजह से महिला यहां फंस गई, लेकिन जान जोखिम में डालकर कुछ लोगों ने वहां पर महिला को बचाया। दोनों जाने पकड़ लो रस्सी में, मुर्दा का 10 मार देगा, दंडक को बंधन में इस बेस मार 10 मार 10 साड़ी पहुंच रही है कितना। उज्जैन की जीवनदायिनी शिप्रा नदी एक बार फिर से मैली हो गई है। पहली ही बारिश में नाले का जो चैम्बर है वो ओवरफ्लो हुआ। शिप्रा में गंदा पानी जाकर मिल चुका है, नाले का पानी मिल रहा है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए जीवनदायिनी शिप्रा, जहां पर लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं, उसका क्या हाल हो रखा है। नाली का जो पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है और ओवरफ्लो होकर जाकर सीधे शिप्रा नदी में मिल रहा है, जिससे कि जो पवित्रता है शिप्रा नदी की, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कोई यहाँ पर पहुंचे भी और इसकी पूजा करे तो कैसे करे, डुबकी लगाए तो कैसे लगाए, जब नाली का पानी इसमें जाकर मिल रहा है तो ये सेहत के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। सीधी से सीधी